रिपीटर या आजकल मार्केट में देखें तो काफी ज्यादा चल रहा है लेकिन एक चीज जो कि आपको कोई भी नहीं बताता वो मैं आपको बताऊंगा तो तो खैर काफी पहले मैंने जो कर ली थी, आपको बताया भी था कहाँ से मिलेगा कितने का मिलेगा हंड्रेड के आसपास मैंने ये बाई किया था और अनबॉक्सिंग जो है मैं कर चुका हूँ इसकी सब कुछ बता चुका हूँ अब क्या रिव्यू से एंड आफ्टर हम मंथ्स यूजेज उसके बाद इसके क्या रिव्यूज हैं वो सब आज मैं आपको बताऊंगा वो चीजें बताऊंगा जो कि यार मार्केट वाले आपको नहीं बताएंगे और जो सेल कर रहा है वो भी आपको नहीं बताएगा मोस्टली वीडियोस में आई डोंट थिंक सो यार मैंने देखा हो कि इसके बारे में आपने आपको ये चीज बताई गई हो कि यार ये कैसे काम कर रहा है और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यार के बेसिकली uh, दिखने में तो काफी अच्छा स्मार्ट सा एक uh, कह सकते हैं कि यार हमें इन्होंने राउटर टाइप का ये दिया हुआ एक्सटेंडर और इसमें आपके मतलब कि काफी ज्यादा आपको एक्सटेंशन सी ये वाली मिल जाती हैं आप कोई भी उसमें से चूज करके लगा सकते हो जो भी आप लगाना चाहो प्राइस आजकल इसकी चल रही है यार मार्केट में ना ऑलमोस्ट आपको 1700 भी कहीं से देखने को मिल रहा है कहीं से आपको मिल रहा है 1900 का कहीं से 1500 का कोई तो पाँच पाँच हज़ार के दराश भी बेच रहे हैं यार अब सवाल ये है यार क्या ये 100 परसेंट जो एक्सटेंडर का, का काम है वो करता है लाइक ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपका वाईफाई लगा हुआ है तो सेकंड या थर्ड पे इसके सिग्नल्स जो हैं बहुत कम आ रहे हैं जब सिग्नल्स बहुत कम आ रहे हैं वहाँ मोबाइल को प्रोवाइड कर रहा है तो ये जो एक्सटेंडर है ये भी तो एक तरह से समझ ली मोबाइल का ही इसमें जो वाई कैचर है वो सिस्टम लगा हुआ है तो ये कैसे आपका जो वाई फाई उसको कैच करेगा और आगे आपको हंड्रेड परसेंट सिग्नल जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपका ट्वेंटी अभी में अगर लगा हुआ है ना इंटरनेट तो अगर आप थर्ड फ्लोर पे इसको लगाते हैं ना अगर कनेक्ट हो भी जाता है बिलफर्स पहले तो कनेक्ट ही नहीं होता ठीक है।, है ये इसमें इश्यूज चल रहे होते हैं कि, कि पहले कनेक्शन पकड़ता ही नहीं है जब कनेक्टिंग कनेक्शन हो भी जाता है लेकिन जब आप चलाते हो तो अगर 20 एम लगाओ क्योंकि मेरे पास लगा हुआ है अगर आप ये 20 एम लगाते हो और थर्ड फ्लोर या फोर्थ पे फोर्थ होनी खैर थर्ड वाले फ्लोर पे अगर आप आ, इसको यूज़ करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपको ये हंड्रेड परसेंट जो है वो सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा मतलब प्रोवाइड करेगा लेकिन चलेगा नहीं क्योंकि स्पीड जो है वो जस्ट वन या टू एम आ पी होगी अगर नीचे फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा यूजेज होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अच्छा प्रोवाइड कर सकेगा सिग्नल्स तो मैंने तो जो उसको टेस्ट आउट किया लाइक like रूम्स हैं अभी मैं बार वाले रूम में बैठा ज्यादा स्पीड, स्पीड नहीं है तो और जो डिवाइस थी मैंने सारी डिस्कनेक्ट कर दी थी क्योंकि मैं जस्ट इसकी स्पीड देखना चाह रहा था अगर हंड्रेड परसेंट ट्वेंटी एम बी पी इसको मिलता है तो ये कितना खींच के आपको आगे प्रोवाइड कर सकता है तो यार अः हाथ मार के एक से दो एम पी मोस्टली बहुत ऊपर चला जाए तो तीन एम पी इसने कैच किए हैं जबकि सेम जगह पे अगर मैं मोबाइल को डायरेक्टली लिंक राउटर से कनेक्ट करूँ तो मुझे 15 सिक्सटीन सेवनटीन इस तरह से देता है लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर इसका फंक्शन क्या है तो यार इसका फंक्शन एज अ राउटर की तरह आप ले लो क्योंकि आ, ये जो सीन है ना कुछ इस एक एक और चीज जो कि आई डोंट थिंक यार किसी ने बताई होगी तो मैं बता देता हूँ अगर आप इसको आ, यूज करते हो लाइक आपने वाई से कनेक्ट कर लिया एक्सटेंडर के थ्रू तो अब लैन केबल जो है ना आप लैन यहाँ लगा के सिंपल अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में आप लगाओगे ना तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड कर देगा एक मैन राउटर से ये खींचेगा और और आगे जो है आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है सिस्टम है ये लैपटॉप है उसको प्रोवाइड करेगा लेकिन एक इश्यूज़ में ये आएगा कि ये कभी कनेक्टिंग होगा कभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर कभी थोड़ी टाइम के लिए चलेगा फिर थोड़ी टाइम के लिए बंद हो जाएगा ऑफ हो जाएगा इसमें ये इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से मैं अभी अपने सिस्टम में ये पर्सनली यूज कर रहा था तो भाई इसमें इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि फिर मैंने अल्फ़ा लगाई अल्फ़ा का भी थोड़ा बहुत इशू आ रहा है फिर मुझे ये पता चला यार अल्फ़ा जो कि पांच सौ रुपए की मिलती है और ये वाई एक्सटेंडर जो कि आई थिंक सो अब मार्केट

तो तब से ये मैं इसको यूज कर रहा करूँ लेकिन यार लैन के थ्रू अगर आप इसको कनेक्ट करोगे ना लाइक राउटर से मैन के केबल आपकी लगी हुई इसके पास यहां से आप लैन के थ्रू इसको लगाओगे तो आपको एक्यूरेसी देगा लाइक राउटर की तरह तो जब आप इसको एक्सटेंडर के तौर पर यूज करोगे एक्सटेंडर के थ्रू यूज करोगे तो इसने जो है ना काम जो है खराब करना शुरू हो जाता है आपको जो स्पीड है वो भी बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करनी जैसे कि आपको पता है यार दिख रहा होगा ये टेप्स वगैरह यहाँ पे शायद दूर से दिख रहा हो क्योंकि सेकंड कैमरा आई डोंट यूज़ नाउ क्योंकि जरूरत नहीं थी उसकी ये बातें और ये कुछ आ, ऐसी चीज़ें जो आई डोंट थिंक सो के किसी ने इससे पहले बताई हूँ तो यार ये थे इसकी आजकल जो भी खरीदना चाह रहे हो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा और पूरी देखिएगा इन डिटेल ताकि आपको पता चल जाए अगर आपने अनबॉक्सिंग देखी है तो प्रीवियस वीडियो में मेंशन में कर दूंगा नीचे वो भी आप जाके देख लीजिए फिर यहाँ पर आ जाइए और इसकी वीडियो देख लीजिए कि इसका आखिर सीन क्या है खैर यार ये हमारी वीडियो है होप्स कि बहुत सी चीजें मैंने क्लियर आउट कर दी होंगी अगर कुछ रह गया हो तो काइंडली कमेंट पढ़े हैं यार वहाँ पर आप आ, पूछ सकते हो लेकिन यार 99 या 98 परसेंट लोग तो मेरी वीडियो सब्सक्राइब बगैर ही देखते हैं तो यार सब्सक्राइब करते हुए क्या हो रहा है मैं तो वीडियोस में बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने का अब मेरे हाथ से आगे बोलना पड़ेगा तभी जाके जो लोग हैं वो वीडियोस देखते देखते सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा वरना तो उनका जो अंगूठा है वो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाता नहीं है क्यों नहीं जाता आई डोंट नो यार इतनी मेहनत तो कर रहे होते हैं यार सब्सक्राइब तो कम से कम कर दिया करो यार आप लोग तो ये थी आज की हमारी वीडियो होप्सो कि बहुत सी चीजें क्लियर आउट हो गई जो रह गया कमेंट पे पूछ लीजिएगा तो खुश रहिए आबाद आद रही मुझे भी अपनी दो में याद रखिए तो मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर Goodbye.